अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यासिर्स लर्निंग हब। तो आज जो हमारे टॉपिक्स हैं, हम आज सीखेंगे कि हम किस तरह से CIDE इंस्टॉल करें विंडोज़ मशीन पे, और हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि उसके जो ऑप्शंस हैं वो किस तरह से हम यूज़ करें, और एट द एंड आप ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से एक प्रोग्राम बनाएंगे, कंपाइल करेंगे, एरर्स अगर आते हैं उनको किस तरह से डीबग किया जाए, और जो IDE के कुछ बेसिक फीचर्स हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपके पास जो भी ब्राउज़र इंस्टॉल है, फॉर एग्जांपल हम गूगल क्रोम में चले गए और यहाँ पे आप लिखें डाउनलोड CIDE फॉर विंडोज़। अब जैसे ये टाइप करेंगे, यू विल सी सिवरल ऑप्शंस अवेलेबल हेयर। तो इसमें जो मेरा टेस्टेड ऑप्शन है, जहाँ से आप प्रॉपरली डाउनलोड कर सकते हैं CIDE, तो इट इज़ डेवलपर इनसाइडर डॉट को। तो इस लिंक पे आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस पेज। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है स्टेप वन डाउनलोड टर्बो C++। इस पर क्लिक करें आप। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड विद इन फ्यू सेकेंड्स स्टार्ट हो जाएगा। तो यू हैव टू वेट फॉर फ्यू मोमेंट्स। तो आप ये देखें, नीचे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है एंड इट इज़ शोइंग हियर टर्बो C 3.2 जिप। अब जैसे डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी तो अब आप यहाँ से डायरेक्टली सेटअप रन कर सकते हैं, या फिर आप शो इन फोल्डर में चले जाएं। यू विल सी हेयर के डाउनलोड्स का जो फोल्डर है, यहाँ पे ये फाइल मौजूद है, ठीक है ना। तो डाउनलोड्स में ऑटोमेटिकली ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, इट इज़ रार फाइल। तो आप इसको डबल क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट करें फाइल्स को। ओके, आप जहाँ कहीं करना चाहें, या डिफॉल्ट लोकेशन में टेम्पररी तौर पे अगर आप करना चाहते हैं डाउनलोड फोल्डर में, तो जस्ट क्लिक इट ओके। तो फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं हमारे पास। ये देखें, एक फोल्डर आ गया टर्बो C 3.2। इस फोल्डर को आप ओपन करें तो इसके अंदर आपके पास एक फाइल मौजूद है, विंडोज़ इंस्टॉलर टर्बो C++ 3.2 विंडोज़ इंस्टॉलर। तो आप इस फाइल को डबल क्लिक करें तो हियर इट इज, आपकी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। क्लिक एट नेक्स्ट, एक्सेप्ट द टर्म्स एंड देन क्लिक एट नेक्स्ट, ठीक है, एंड क्लिक एट इंस्टॉल। सो इंस्टॉलेशन इज नाउ इन प्रोग्रेस, इन फ्यू मोमेंट्स इंस्टॉलेशन विल कंप्लीट। तो हम वेट करते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का। अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं और आपसे परमिशन के लिए पूछा जाए तो यू हैव टू क्लिक एट यस। तो हेयर इट इज, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली यहीं से आप लॉन्च करना चाहते हैं आईडी, तो ये टिक मार्क रहने दें, अदरवाइज इसको हटा दें। तो हम चाहते हैं कि हम डायरेक्टली आईडी जो इंस्टॉल हो चुकी है सी की, उसे लॉन्च करना चाहते हैं। तो जस्ट क्लिक एट फिनिश आफ्टर मार्किंग एट लॉन्च आईडी। सो इन अ वाइल यू विल सी के सी आईडी आपके सामने स्टार्ट हो चुकी होगी। अगर आप देखना चाहें तो इसका आइकॉन डेस्कटॉप पे भी क्रिएट हो चुका होगा। सो हेयर इट इज, अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको कुछ हेल्प प्रोवाइड की गई है, कुछ मैनुअल्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली आप चाहें तो स्टार्ट टर्बो C++ पे क्लिक करें एंड यू विल सी इन अ वाइल, तो ये टर्बो CIDE ओपन हो चुकी है। सो देयर आर डिफरेंट फाइल्स ओपन ओवर हेयर। अगर आप तमाम तर फाइल्स को एक साथ बंद करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो यू कैन क्लिक एट विंडो एंड देन क्लोज ऑल। तो ये तो हमारे पास सिंपल, हमने देखा कि हम किस तरह से CIDE को इंस्टॉल करें। तो हम यहाँ से क्विट करते हैं, ठीक है। एंड अगेन यू कैन सी हेयर कि अगर आप डेस्कटॉप से क्लिक करके आईडी को रीओपन करना चाहें तो आप रीओपन कर सकते हैं। हेयर इट इज ओके। तो अब हम कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे आईडी के। फॉर एग्जांपल फाइल में न्यू है तो फाइल में न्यू का ऑप्शन है, आप न्यू पे क्लिक करें एंड हेयर इट इज अ न्यू फाइल। तो यहाँ आप अपना कोड टाइप कर सकते हैं। अच्छा, इस आईडी में आप सी के प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं, C++ के प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, नो नेम 00.cpp, सीपीपी रिप्रेजेंट C++ फाइल। तो अगर आप इस फाइल को डॉट सीपीपी एक्सटेंशन से ही सेव करेंगे तो फिर आपको कुछ हेडर फाइल्स इनिशियली एड करना होंगी। लेकिन अगर आप जस्ट सी के प्रोग्रामर हैं, सी पे काम कर रहे हैं, तो आई विल जस्ट एडवाइज यू कि आप इसको सेव करें और कोई भी नाम दे दें, लेकिन एक्सटेंशन
डॉट सी दे दें, ठीक है। तो ये मैसेज इसलिए आ रहा है कि इस नाम से पहले से यहाँ पे एक फाइल मौजूद है, क्या आप ओवरराइट करना चाहते हैं? तो वी आर जस्ट सेइंग यस। अच्छा, अब यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम टाइप करते हैं, फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो ये हम प्रोग्राम टाइप कर चुके हैं। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल किस तरह से किया जाएगा? सो यू हैव टू कम टू कंपाइल मेन्यू, कंपाइल या फिर शॉर्टकट कीज भी आप यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम डायरेक्टली कंपाइल पे क्लिक करते हैं, इट इज शोइंग सक्सेस। अगर कोई एरर होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेमी कोलन भूल जाते हैं और अगर हम कहते हैं कंपाइल, तो ये देखें एरर मैसेज आ गया, एंड एरर इज इज एरर स्टेटमेंट मिसिंग। तो यानी हम सेमी कोलन मिस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो जिस तरह का भी एरर होगा उसी तरह के मैसेजेस यहाँ डिस्प्ले होंगे। तो अब हम कंपाइल दोबारा भी कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो डायरेक्टली रन करेंगे, तब भी प्रोग्राम पहले कंपाइल होगा और फिर रन हो जाएगा। अगर कोई एरर्स नहीं होंगे तो प्रोग्राम डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हियर इट इज, प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो गया लेकिन हमें आउटपुट शो नहीं हुई। तो आउटपुट देखने के लिए हमें जाना होगा विंडोज, एंड हियर इट इज यूजर स्क्रीन। अच्छा, आप ये शॉर्टकट कीज यूज़ कर सकते हैं, अल्टर F5। तो जहाँ जहाँ शॉर्टकट कीज मौजूद हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए आउटपुट स्क्रीन हमारे पास शो हो गई, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करें तो बिफोर एग्जिटिंग हमें आउटपुट स्क्रीन शो हो। तो हम एक करेक्टर इनपुट फंक्शन है गेट CH, तो हम इसको यूज़ करते हैं बिफोर एग्जिटिंग द प्रोग्राम। तो इससे क्या होता है कि तमाम तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद बिफोर एग्जिटिंग स्क्रीन को होल्ड करके रखता है अनटिल यू प्रेस एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड। तो अब इफेक्ट देखें आप इसका, तो ये देखें हेलो वर्ल्ड अब हमें स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक तो पहले से जो प्रिंट हुआ हुआ था और दूसरा जब हमने सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट किया। तो हमेशा मैं सजेस्ट किया करता हूँ कि जब भी आप प्रोग्राम बनाएं तो क्लियर स्क्रीन की कमांड ज़रूर दें, ताकि आप प्रीवियस आउटपुट और जो एग्जिस्टिंग आउटपुट है उसमें कन्फ्यूज ना हो। तो अब हम रन करते हैं, हेयर इट इज हेलो वर्ल्ड। अच्छा, इस आईडी के जो बाकी आप यहाँ देख रहे हैं रेड लेटर्स, अगर आपका माउस कीबोर्ड काम नहीं कर रहा तो आप कीबोर्ड से भी काम कर सकते हैं। तो ये रेड लेटर्स हैं, इनको आप प्रेस कर सकते हैं अल्टर की कॉम्बिनेशन से, ये लेटर सी अल्ट F, ये देखें, और फिर एरो कीज से आप डिफरेंट ऑप्शंस पे जा सकते हैं या फिर शॉर्टकट कीज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कंपाइल मेनू में जाना है तो वी कैन जस्ट टाइप ऑल्ट सी फ्रॉम द कीबोर्ड एंड यू आर हेयर। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। तो इस आईडी के कुछ ऑप्शंस हैं जो हम बाद में किसी और लेक्चर में कवर करेंगे कि आप किस तरह से उन्हें सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन CPP आ रही थी, आप CPP के बजाय डायरेक्टली एक्सटेंशन दे सकते हैं कि .c के एक्सटेंशन के साथ प्रोग्राम सेव हो, CPP से ना हो। तो इस फाइल को आपने देखा कि हमने किस तरह से सेव किया। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और फाइल ओपन करें तो जस्ट न्यू फाइल पे चले जाएं, ठीक है। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू स्विच बिटवीन दी फाइल्स, तो यहाँ पर आपके पास कमांड्स मौजूद हैं विंडो में। नेक्स्ट जैसे F6 भी आप प्रेस करेंगे तब भी ये काम हो सकता है, या आप क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज भी कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप के इट इज़ क्लियर टू यू कि आप किस तरह से CID में काम करेंगे। लेट्स क्लोज ऑल दी विंडोज, और अगर आपने पहले से कोई प्रोग्राम बनाया है उसे ओपन करना चाहें तो ओपन करने के लिए आप यहाँ पे अपने प्रोग्राम का नाम टाइप करें या फिर *c लिखें, तो तमाम तर जो सी के .c से सेव प्रोग्राम्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे, एंड देन यू कैन अगेन एडिट दिस प्रोग्राम एंड रन इट। तो ये जो हमने आईडी इंस्टॉल की है विंडोज़ के लिए इंस्टॉल की है। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट आईडीज अवेलेबल हैं, जैसे कोड ब्लॉक है तो आप कोड ब्लॉक इंस्टॉल कर सकते हैं, डेव सी है, तो देर आर सिवरल अदर आईडीज अवेलेबल। लेकिन एज ए बिगनर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस आईडी को इंस्टॉल करें, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इंस्टॉलेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप बहुत आसानी से विद इन फ्यू मिनट्स इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियोज़ बनाएं उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे।